तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पारस ठकराल के चैनल पर उनका क्यों ना वीडियो आ गया है, जहां पर पारस ने वैसे तो कई सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए, पर एक क्वेश्चन जो कि फैंस अक्सर पूछते हैं और शायद आप लोगों ने भी मेरी तरह ये वीडियो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए देखी, और मैं बात कर रही हूँ पारस की दूसरी शादी वाले क्वेश्चन की। तो हाँ गाइस, पारस ने इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी दिया है। फिर एक बार पारस से उनकी दूसरी शादी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, तो पारस ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं है दूसरी शादी करने का, पर जब भी ऐसी स्थिति सामने आएगी कि दूसरी शादी करनी है तो मैं ये देखूंगा कि जिस भी लड़की से मैं शादी करूं वो संस्कारी हो और वो लड़की रात को ज्यादा पार्टीज ना करती हो। तो पारस ने यहाँ पर अपनी पसंद बताते हुए अपनी होने वाली वाइफ की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है। पहले भी कई बार पारस अपनी दूसरी शादी की बात को टालते हुए नजर आए हैं और अक्सर ये कहते हुए नजर आए कि पहले वो अपने लिए एक घर खरीदना चाहते हैं, फिर ही आगे के बारे में वो सोचेंगे। इसी वीडियो में पारस ने अपनी लास्ट मंथ की इनकम भी बताई, जो कि 75,000 रुपए थी, और पारस ने ये भी बताया कि वो जल्दी ही हृदय को स्कूल में एडमिट करवाने वाले हैं। कोमल के बारे में बताते हुए पारस ने बताया कि कोमल अपने घर पे है और एकदम बढ़िया है, खुश है, थोड़ी सी इनएक्टिव है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब उसकी लाइफ में कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि पहले भी वो बहुत सारी चीजों से निकल चुकी है। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई पारस ने दिए हैं इस वीडियो में, जो कि काफी नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग वो वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो साथ। बाय।